विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। परिवार में आपसी सहयोग और पारस्परिक संबंध जुड़े होते हैं, जो परिवार के प्रत्येक सदस्य को उनके जीवन में आने वाले समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूती प्रदान करते हैं। भले ही हमारा परिवार कैसा भी हो, पर यह हमें एक नया रूप देता है। यह बात तो निश्चित है कि परिवार हमें एक आकार देता है, जिसके सहारे हमारा विकास होता है। हम अपने परिवार से ही सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल सीखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार के साथ पारिवारिक संचार को संतुलित बनाए रखना चाहिए, ताकि वह अपने मुश्किल दौर से आसानी से निकल सके और अपने नए भविष्य की शुरुआत कर सके। परिवार के कुछ गुण सामान्य हैं। इस नाटिका में उन्हीं गुणों को दर्शाया गया है। पहला गुण, उम्मीद। इतने कम नंबर क्यों आए तुम्हारे? पढ़ाई में मन नहीं लगता है तुम्हारा? मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा था, सारे पेपर एक साथ थे, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। हर चीज का बहाना है तुम्हारे पास, ऐसे तो तुम लाइफ में कुछ नहीं बन पाओगे। अपने चाचा को देखा है ना कैसा जीवन जी रहे हैं? इन बच्चों को तो कुछ समझ नहीं आता है कि जीवन में करना क्या है। लेकिन उस माँ को अपने बचपन के दृश्य याद आने लगे कि किस प्रकार उसकी माँ उसे यह सब कहती थी। तुम कुछ नहीं कर पाओगी अपनी जिंदगी में, तुम्हारा पूरा जीवन ऐसे ही रह जाएगा, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। मेरी मुझ में वजह ही डांटती है, मुझे समझती ही नहीं है वो। उनकी उम्मीद मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी क्या गलती? बस मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं रह गया, मैं इसे खत्म कर। यह सब देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आपके शब्द लोगों को कितना प्रभावित कर सकते हैं। आइए दूसरे गुण को देखते हैं, जो कि है प्रेम। पूरा टाइम तुम अपना समय बर्बाद करती रहती हो इन सब चीजों में, कभी कुछ काम का भी कर लिया करो। लेकिन नहीं, तुम्हें मौज मस्ती से ही फुर्सत कहाँ है? मैं बस अभी ही थोड़ी देर पहले आई थी। तुम कुछ समझती ही नहीं हो, आगे के जीवन में तुमने क्या सोचा है अपने बारे में? इस उम्र में मैं काम करने लगा था और परिवार की मदद करता था, लेकिन तुमको देखो। अरे कहाँ चली गई? पता नहीं मेरी बेटी मेरे साथ बैठती क्यों नहीं है, मुझसे बातें तक नहीं करती है। पापा मुझे हर समय डांटते रहते हैं और मेरी बातों को समझते नहीं। मैं पढ़ लिख कर कुछ अच्छी नौकरी करना चाहती हूँ, पर पापा चाहते हैं कि मैं अभी से नौकरी करूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, दोबारा नहीं आऊंगी। समाज में प्रेम की परिभाषाएं तो विभिन्न हैं, कुछ डांट के प्रेम दिखाते हैं तो कुछ प्यार करके। लेकिन प्रेम एक ऐसा गुण है जिसको समझाना कभी कभी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आइए अब हम तीसरे गुण की ओर चलते हैं, जो कि है आध्यात्मिकता। किस तरह के गाने सुन रही हो? मम्मी, यह ईश्वर के प्रेस के गीत हैं। इस बचकानी म्यूजिक के साथ ये ईश्वर की महिमा के गीत कैसे हो सकते हैं? बंद करो इसे और चलो मेरे साथ प्रार्थना करने। प्रार्थना के समय तुम्हारी आंखें बंद होनी चाहिए, तुम्हें अपने घुटने जोड़ के पूरे मन से प्रभु में लीन होना चाहिए। पता नहीं कब ये प्रार्थना करना सीखेगी। लेकिन उस माँ को अपने बचपन के दृश्य याद आने लगे कि किस प्रकार उसकी माँ उसे यह सब कहती थी। बच्चों, प्रार्थना के समय तुम्हारी आंखें बंद होनी चाहिए, तुम्हारे हाथ जुड़े होने चाहिए और तुम्हारा पूरा मन प्रभु में लीन होना चाहिए। अब मैं मम्मी को कैसे समझाऊं कि मुझे प्रभु ईश्वर की ओर देखकर प्रार्थना करना पसंद है? मुझे उनकी आंखों से आंखें मिलाकर प्रार्थना करना बहुत अच्छा लगता है। इन गुणों को देखने के बाद हमारे मस्तिष्क में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि हर कार्य का परिणाम होता है। हमारे परिणाम कार्यों पर ही निर्भर करते हैं। अगर हमारे कार्य सही होंगे तो उनका परिणाम भी उचित ही होगा। फिर एक बार इन दृश्यों को हम देखें, लेकिन इस बार हमारे कार्य पूर्ण रूप से व्यवस्था योग्य
होने चाहिए। बेटा, तुम्हारे नंबर इतने कम क्यों आए हैं? मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा था, सारे पेपर एक साथ थे, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। कोई बात नहीं, आगे हम साथ मिलके प्रिपेयर करेंगे ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। मम्मी के साथ मिलकर पढ़ेंगे तो अच्छे से टाइम मैनेज हो पाएगा। आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। आगे करियर में तुमने क्या सोचा है? तुम्हें क्या करना है? किसी तरह की जॉब करनी है या आगे पढ़ाई करना चाहते हो तुम? पापा की गाइडेंस से मुझे मेरा करियर चूज करने में और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। या तुम किस तरह के गाने सुन रही हो? मम्मी, या आजकल के ईश्वर के वचन के गाने हैं। अगर आप इसमें सुने तो बताया जा रहा है कि कैसे ईश्वर हमारी मदद करते हैं और हमारे साथ रहते हैं। चलो हम साथ में प्रार्थना करते हैं। तुम्हारी आंखें क्यों खुली है? मुझे प्रभु यीशु की ओर देखकर प्रार्थना करना पसंद है। मुझे उनकी आंखों से आंखें मिलाकर प्रार्थना करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा बेटा, जैसा तुम्हारा मन करे। एक अच्छा मसीह परिवार वह है जो बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार चलता और जिसका प्रत्येक सदस्य परमेश्वर के द्वारा दी गई अपनी भूमिका को समझता और पूरा करता है। परिवार मनुष्य के द्वारा रूपरेखित की गई संस्था नहीं है, यह मनुष्य के लाभ के लिए परमेश्वर के द्वारा बनाई गई थी। यदि हम अपने जीवन में यही कुछ छोटे छोटे बदलाव ले आए तो एक परिवार में संपूर्ण प्रगति होती रहेगी। इस साइकिल को कहा जाता है जेनरेशनल ड्रामा। इसको तोड़ना बहुत जरूरी है, वह सिर्फ एक इंसान के प्रयत्न से हो सकती है।